फ्रेंड्स, आज मैं आपको सन्ना पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने सबसे पहले एक बाउल में बेसन लेना है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और ये हमने बारीक कटे हुए प्याज पहले ही से काट कर रखे थे इसे भी डाल देंगे, और एक हरी मिर्च भी काट कर रखी थी वो भी डाल देंगे, और ये हमने साबुत धनिया डाला है। ये हम अपने तवा पर थोड़ा सा फुदीना, सूखा फुदीना सेक लेंगे, फिर उसे भी क्रश करके डालेंगे, और ये हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। ये देखिए दोस्तों, हमारा पुदीना गर्म हो चुका है, और ये हम 1/4 छोटे चम्मच सोडा डालेंगे, खाने वाली सोडा। ये देखिए दोस्तों, हमने सोडा भी डाल ली है, और ये हमारे पुदीने भी गर्म हो चुके हैं, इसे भी हम क्रश करके डाल देंगे। इसकी जगह पर आप धनिया पत्ता भी अगर आपको हो तो आप वो भी डाल सकते हो। ये हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून के जितना, और इससे थोड़ा पानी से हम अच्छे से बैटर बनाएंगे। इसका बैटर हमें सूखा ही बनाना है, क्योंकि ये पकौड़ा हम डायरेक्ट खाएंगे स्नैक्स के रूप में, ये हम किसी ग्रेवी में नहीं डालेंगे, तो इसीलिए हमें इसका बैटर इतना ही करना है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। आपका तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, उसमें हम इसे इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इसे हमें पूरा फ्राई नहीं करना है, हम हाफ फ्राई कर इसे निकाल लेंगे, और इसे आधा घंटा रख देंगे। उसके बाद हम इसमें बीच में से कट करेंगे, ताकि क्योंकि अंदर में भी पकोड़े में मॉइस्चर है, नमी है, हमें उसे भी पूरा क्रंच करना है, इसीलिए हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। आधे घंटे रख कर इसी तरह काट लेंगे, और उसके बाद हम इसे थोड़े से गर्म तेल में, कम गर्म नहीं होना चाहिए, आपका गर्म होना चाहिए थोड़ा तेल सही, उसके बाद उसमें डालकर 1 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े फ्राई होकर तैयार हैं। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें चटनी के साथ। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।